हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ये पूजा वाले रूम से मैं झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरे ससुराल का ब्लॉग है, तो यहीं से मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से मैं चाय बनाऊँगी और पानी गर्म करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ पानी गर्म करने और चाय बनाने के लिए। क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कि ये साथ साथ में ही उठ जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे से पहले भी उठ जाते हैं। तो उठते उठते इनको चाय और गर्म पानी चाहिए। तो बस, और अब देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो आज कोई हरी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं बना रही हूँ सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। और मेरे बच्चों को सोयाबीन बहुत पसंद है, और सोयाबीन बहुत पौष्टिक भी होता है, बच्चों को खिलाना भी चाहिए। तो सब्ज़ी मेरी बन रही है, और फटाफट से मैंने आटा गूँथ लिया है। और यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट से रोटी भी बनाने लगी। और एक तरफ सब्ज़ी मेरी बन गई है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और उधर देखिए मैंने दाल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि ये नाश्ता करके और तुरंत ही निकल जाते हैं। तो मैं सुबह फटाफट से नाश्ता जल्दी जल्दी बनाती हूँ, यहाँ भी और वहाँ भी आप लोग देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और उधर दाल बन रही है, और इधर माँ पूजा कर रही हैं। पूजा इनकी हो गई है, तो देखिए पूजा हो चुकी है, फूल उल चढ़ गया है देखिए। और यहाँ पे कोई मंत्र उच्चारण करती हैं, वही कर रही हैं, और मैं इधर ही खाना बना रही हूँ। तो अभी अब फटाफट से इनके लिए नाश्ता मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे इन लोगों का नाश्ता लगा दी हूँ। और इधर देखिए, उनके 2 कॉपी उनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पापा करेंगे वही सत्यम करेंगे। तो साथ साथ में खाना खाएंगे, साथ में नहाएंगे। तो देखिए, दोनों बाप बेटा बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, नाश्ते का काम ख़त्म हो गया है, और यहाँ गैस की सफाई हो रही है, किचन की सफाई। और नीचे देखिए, यहाँ पे खाना रखने के लिए बनाया हुआ है स्लेब के नीचे। और अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और देख लीजिए आप लोग, मैं कैसे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों से बता दूँ कि टंकी हटा दिया गया है, उसका जगह चेंज करना है। तो टंकी रखने वाला दूसरी जगह पर बनाना है, और तो वो अभी नहीं बन पाया है। 3-4 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर, तो देखिए डायरेक्ट पानी आ रहा है, उससे काम करना पड़ रहा है। और देखिए, अब ये नाश्ता करके निकल दिए। और देखिए, अब सत्यम तो उस समय से सारा काम पापा के साथ कर रहे थे, और देखिए अब मुंह लटका के आ रहे हैं, पापा तो चले गए। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहाने के लिए। तो नहाने से पहले मैंने कपड़े लगा दिए थे, कि नहाते नहाते कपड़े भी धुलते रहेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि पानी पानी हो जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट पानी से काम हो रहा है। मोटर चला के डायरेक्ट काम कर रही हूँ मैं। और ये देखिए, पीछे के गेट से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी मैं कपड़ा धुल के तैयार हूँ डालने के लिए, तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। तो देखिए दोस्तों, कपड़ा मेरा धुल गया है, और अब मैं नहा चुकी हूँ, और अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ मशीन से, और अब मैं जाऊँगी छत पे कपड़े डालने के लिए। तो ये तो पानी इसके निकल जाते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा धूप लगेगा तो सूख जाएगा। तो अभी बारिश छूट गया है, और मतलब बारिश ख़त्म हो गया है, तो अब मैं छत पे जाऊँगी, कपड़े डाल दूँगी। क्योंकि बार बार थोड़ा थोड़ा देर पर बारिश आ जा रहा है, लेकिन अभी फटाक से बारिश छूट गया और धूप भी निकल गया। तो देखिए, मैं जा रही हूँ अब छत पे कपड़े डालने के लिए, और मेरा सीढ़ी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचा ऊंचा बना है। तो मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ देखिए बोरी में लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और हमारा चिकन वगैरह ये सब बनता है तो लकड़ी पे ही बनता है, मैं आप लोगों को दिखाई भी हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं आ गई हूँ अपने कपड़े सुखाने के लिए। और अभी बारिश हो रही थी, अभी इतनी अच्छी धूप खिल गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश भी आई थी। तो फटाफट से मैं कपड़े सुखा लूँगी।
तो दोस्तों कपड़े डाल के मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा सारा खाना बन गया था, चावल बाकी रह गया था। तो चावल देखिए यहाँ पे बन रहा है किचन में। और देखिए अब आप लोग, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि मैं कपड़े अभी डाल कर आई थी और ये देखिए बारिश कितनी तेज़ आ चुकी है और आप लोग देख सकते हैं बिजली कैसे तड़क रही है और डर भी लगता है। तो अभी सारे कपड़े मैं फटाफट से उठा के रख के आई हूँ छत पे और अभी डाल के आई थी और अभी थोड़ा देर में ही धूप खिला था। अभी आप लोग देख रहे थे कि कितना अच्छा धूप खिला था और अभी देखिए कितनी तेज़ बारिश आ चुकी है। और देख रहे हैं आप लोग मेरे घर के बाहर का नज़ारा, पूरा कीचड़ हो जा रहा है। ये ईंटें रखे हुए हैं पैर रख के जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है ना हमारे यहाँ की, बहुत ज़्यादा इस पर पैर स्लिप। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए अभी कपड़े उठा के यहाँ पे सारे रख दिए हैं और मैं खड़ी हूँ छत पे गेट के पास और बहुत तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही है। और कल के भी कपड़े नहीं सूखे हैं और आज वाले भी नहीं सूखे हैं, तो सारा उठा के मैंने अभी यहाँ पे रखा है और आज छूटने का कोई चांस भी नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत बिजली भी कड़क रही है। और पता है दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पे मेरा ब्लॉग डिलीट नहीं जा पा रहा है, 2-3 दिन गैप हो जा रहा है। तो गैप तो मैं करना नहीं चाहती हूँ लेकिन हो जा रहा है और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ दिक्कत हो गई है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए पाइप वगैरह सारा उखाड़ के यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब पानी का इतना दिक्कत हो गया है, डायरेक्ट पानी चला के काम करना पड़ रहा है, नहीं तो लाइट नहीं रह रही है तो हैंडपम्प से काम करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे टंकी रखा हुआ था वहाँ पे उस रूम में सीलन आ गया है तो वहाँ से टंकी को हटाया गया है और अभी काम होने वाला है। तो लगातार 3-4 दिन से डेली बारिश आ जा रहा है तो टंकी रखने वाला बनवाना है, तो बारिश के चलते काम नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी दिक्कत ख़त्म हो जाएगा और बारिश के चलते लाइट भी यहाँ बहुत जाती है तो मेरा ब्लॉग डेली नहीं जा पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं अभी यहाँ पे दिक्कत में हूँ और काम करते करते ही मेरा पूरा दिन ख़त्म हो जा रहा है, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या करूँ, मैं सोची थी कि गांव आऊँगी तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी लेकिन नहीं हो पा रहा है और होगा 2-4-10 दिन में आदमी सेट हो जाएगा तो होगा। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन को तो ज़रूर ही प्रेस करें ताकि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ आप लोगों से, थैंक यू, बाय, सी यू।